बाथरूम में लिपस्टिक के निशान। एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल बहुत ही अजीब सी दिक्कत में थे। स्कूल की 11वीं और 12वीं की क्लास की लड़कियां स्कूल के बाथरूम में लिपस्टिक लगाती। सिर्फ यही दिक्कत नहीं थी, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि लड़कियां लिपस्टिक लगाने के बाद बाथरूम के शीशे को चूमकर उस पर लिपस्टिक का निशान भी बना देती थी, जिससे सफाई करने वाले को वो दाग मिटाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। हर रात को स्कूल का सफाई कर्मचारी घंटों लिपस्टिक के दाग साफ करने में लगा रहता था। प्रिंसिपल अविन सबसे तंग आ चुका था और उन्होंने इस प्रॉब्लम का हल निकालने की ठान ली। स्कूल के प्रिंसिपल ने सफाई कर्मचारी को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि कल के बाद स्कूल की लड़कियां कभी शीशे पर लिपस्टिक के निशान नहीं बनाएंगी, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अगले ही दिन प्रिंसिपल ने 10वीं और 12वीं की लड़कियों को स्कूल के बाथरूम में बुलाया। बाथरूम के शीशे पर अब भी लिपस्टिक के निशान लगे हुए थे। लिपस्टिक लड़कियों से पूछा कि ये शीशे पर ये लिपस्टिक के निशान कौन बनाता है, लेकिन किसी लड़की ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद प्रिंसिपल ने लड़कियों को कहा, खैर कोई बात नहीं, मैंने आप सभी लड़कियों को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि सफाई कर्मचारी को ये लिपस्टिक के दाग मिटाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। अब ये सफाई वाले भाई आप सबके सामने लिपस्टिक के दाग को मिटाएंगे और आप देखना कि इसमें कितनी मेहनत लगती है। सफाई कर्मचारी ने पोछा लिया और उसे फ्लश के पानी में धोया और शीशे पर रगड़कर लिपस्टिक के दाग साफ करने लगा। ये देख वहाँ मौजूद कई लड़कियों ने तो उल्टी कर दी और कुछ के मुंह से निकल गया, छी छी। उस दिन के बाद स्कूल में किसी लड़की ने शीशे पर लिपस्टिक के दाग नहीं बनाए।